वीडियो में इडली स्टैंड, इडली स्टैंड का क्लॉथ बना रहे हैं, जो इडली बनाते टाइम ये स्टैंड पे बिछाने में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इस क्लॉथ का, इडली स्टैंड क्लॉथ का ड्राफ्टिंग और कटिंग देखेंगे। इसके लिए स्टैंड ले लिए हैं और स्टैंड का साइज़ जो कुकर रहे, ताकि कुकर में वो स्टैंड आ पाए, तो ऐसा ख़रीदते टाइम ही स्टैंड ले लेना है, ये देखकर ही कुकर और ये स्टैंड को, दोनों को। और इसके लिए कॉटन कपड़ा लेंगे, ये दुकान में सलवार या पेटीकोट के नाम से ये कपड़ा मिल जाता है, तो वो कॉटन वाला कपड़ा ले लेंगे। ये कपड़ा 100% प्योर होना और कलर वाइट होना मस्ट है। तो ये अभी तो 2 मीटर ले लिए हैं कपड़ा, और एक स्केल, सीजर काटने के लिए, मार्क करने के लिए पेंसिल, और मेज़र करने के लिए ये टेप लिए हैं। तो अब इसका ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको यहाँ से खोल लेंगे, और खोलने के बाद इसका एक प्लेट निकाल लेंगे। ये टोटल चार प्लेट है, चार, हर एक प्लेट में 3 बॉल है। ये देखिए 1, 2, 3, इसी तरह से बाकी 3 में भी और है। तो ये, अब ये बिना धुला हुआ कपड़ा है, ये तुरंत दुकान से आया हुआ है, इसको फर्स्ट टाइम अभी ये खोल रहे हैं। और ये कपड़ा इस तरह से आता है, ये इस तरह से है ऐसे, इस तरह से आया है। तो ऐसे ही कपड़ा लेंगे, इसको जिस तरह से आया बस वैसे ही, और इसको दोबारा से इस तरह से 4 फोल्ड पे रख लेंगे। ये देखिए दुकान से इस तरह से, यहाँ से नाप करते हुए आता है जितना भी मीटर लेना हो। और उसके बाद यहाँ पे ये 2 कॉर्नर था छोर, इसको यहाँ से बना मिला दिए और इस तरह से लंबाई में अरेंज कर लिए। ये सबको साइड कर लेते हैं और ये लंबाई में अरेंज करके ये टोटल 4 फोल्ड हो गया है अभी। और इसको इस तरह से रख लेंगे, धुलाने के बाद ये कपड़ा थोड़ा सिकुड़ेगा अभी, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 1.5 इंच गैप है, और यहाँ भी मेरा 1.5 इंच है, और इधर भी मेरा 1.5 इंच है, और इधर भी मेरा 1.5 इंच है। तो ये टोटल 1.5 इंच का चौकोर रुमाल तैयार करेंगे। और ये देखिए मेरा स्टैंड का ये 6 इंच है, और 6 में 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर ऐड करेंगे तो 3 इंच होगा, और 6 3 को ऐड करेंगे तो 9 होगा। तो यहाँ से यहाँ नाप कर 9 ले लिए हैं, और 9 पे मार्क कर दिए, इधर भी 9 पे मार्क कर दिए हैं। और इधर का मेज़र करने पे 6 इंच आ रहा है, देखिए इधर भी 6 इंच है और इधर भी 6 इंच है, और 6 में फिर मार्जिन 1.5 इधर का 1.5 इधर का ऐड करेंगे, टोटल 3 इंच मार्जिन, और इधर 6 इंच स्टैंड का, तो 6 और 3 हो जाता है 9, और देखिए फिर यहाँ से 9 इंच। तो ये थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम है, तो कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ये दुकान से ही इतना आया हुआ है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इधर से 9 इंच ले लिए हैं, इधर से 9 इंच ले लिए, और यहाँ भी 9 इंच ले लिए हैं, जितना कपड़ा आया था सारा ले लिए, और इधर से भी जितना था 9 इंच के करीब, 1-2 पॉइंट कम है, तो ये ले लिए हैं। और जितना भी आपका स्टैंड अगर बड़ा वाला हो तो उसको इस तरह से नाप लीजिएगा, और दोनों साइड में 1.5 इंच, टोटल 3 इंच मार्जिन लेके, तो फिर कपड़ा पे कटिंग कीजिएगा। तो ये इसका मार्जिन हो गया। अब स्केल से
यहाँ का और यहाँ को मिला लेंगे। और अब इसको काट लेंगे। ये देखिए इसको काट लिए। और ये हिस्सा देखिए यहाँ से जॉइंट है तो इसको भी अलग कर लेंगे। और ये यहाँ पे भी जॉइंट है तो इसको भी काट के खोल लेंगे। ये दोनों बराबर ही रहना चाहिए। तो ये देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 रुमाल चौकोर में मेरा इस स्टैंड के नाप में तैयार हो गया है। और इसका प्लेट भी 4 है, देखिए 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और ये 4 प्लेट। तो ये चारों एक बार में चारों पर बिछ जाएगा। तो जब इडली बनाते हैं तो इडली गर्म रहता है तो उसको स्टैंड से तुरंत कपड़ा से तुरंत नहीं हटाते हैं, 2 मिनट 1 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। लेकिन उधर पानी बॉयल पे रहता है तो तुरंत जल्दी से रेडी करके उसमें स्टैंड को रखना रहता है। तो इसलिए इसका 2 सेट हम लोग रेडी करेंगे। तो ये जैसे भी था उसको एक साथ अरेंज करके और इस वाले को बढ़ा के मिलाते हुए दोबारा से इसको रख लेंगे इस तरह से। और पेंसिल से मार्क कर लेंगे, मार्क करके इसको मिला लेंगे और फिर इसको काट लेंगे सेम इसी तरह। तो ये 1 सेट और ये 2 सेट हो गया है। तो ये बारी बारी से यूज होते रहेगा। यूज कैसे होना है ये जब इडली वाला वीडियो डालेंगे तो उस वीडियो में आपको दिखेगा। इस वीडियो में सिर्फ इसका ड्राफ्टिंग और कटिंग दिखाया जा रहा है, इस हैंकी को स्टिच नहीं किया जाता है। तो ये बस ऐसे ही रेडी है। इसको देखिए यहाँ से है तो यहाँ से अलग कर लेंगे। और एक यहाँ पे है तो यहाँ पे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मेरा टोटल 8 रुमाल रेडी है, 2 सेट रेडी किए हैं और ये मेरा इतना सारा कपड़ा बच गया है। तो ये कपड़ा नहीं कम भी बच सकता है क्योंकि इडली का स्टैंड अगर 4 वाला रहे या बड़ा वाला रहे तो कपड़ा भी उसी तरह से उसमें लगता है। तो ये मेरा स्टैंड क्लॉथ, इडली स्टैंड क्लॉथ रेडी हो गया है।